शिक्षा ही वह शस्त्र है जो समाज, जीवन और परिवार में बदलाव ला सकती है और इस कार्य में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। मीडिया ही वह माध्यम से जो सकारात्मक सूचनाओं और जानकारी को समाज के प्रत्येक वर्ग तक सबसे तेज पहुंचा सकता है। आज आध्यात्मिक ज्ञान की हर किसी को जरूरत है, क्योंकि आध्यात्म का ज्ञान मतलब खुद का ज्ञान, खुद की शक्तियों गुणों का ज्ञान, अपने अंतर्मन में झांकना कि मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में सबसे बेहतर रोल क्या हो सकता है। यह बात मुंबई से आए लेखक, स्तंभकार और ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत आध्यात्म है, क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी तनाव में जी रहा है। आध्यात्म हमें खुद से जोड़ता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए समाज में वैचारिक चेतना लाने का कार्य कर रही है। संस्थान से 15 लाख परिवार जुड़कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वर्तमान में जीने वाला इंसान कभी दुख, अशांत और परेशान नहीं हो सकता, ना ही तनावग्रस्त हो सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपनी बात बेहतर तरीके से सबके सामने रख सकता है। पत्रकारों की कलम, धार और विचारों को कोई आज के समय में रोक नहीं सकता। आप ब्लॉग के माध्यम से आमजन से जुड़ सकते हैं। जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके दुर्गा बहन ने कहा कि आप सभी भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर राजयोग का अभ्यास जरूर करें। मैं परिवार के लिए समय सुबह से रात को परिवार किया ही क्यों? अगर आपको समय देना ही नहीं था, किया ही क्यों? बच्चों के साथ समय नहीं मिलता है, संडे भी हमारा काम होता है, तो ये एक प्रकार से उनके प्रति अन्याय है। तो पहला स्वयं के साथ, फिर अपने इष्ट देव या जिनको भी आप मानते हो उनके साथ, फिर अपने परिवार के साथ, चौथा जो आपका कार्य व्यवहार है, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, उसके प्रति भी आपको वफादार होकर के समय देना चाहिए। ये नहीं कि आए किए ऊपर से, ये नहीं होना चाहिए, परंतु उतनी ही शिद्दत से और सीरियसनेस से अपने कार्य को भी देना चाहिए।